हेलो फ्रेंड्स, तो नया साल आ चुका है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आप इस नए साल में रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहते हैं और घर पे बनाना चाहते हैं कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल में डिश, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तंदूरी मशरूम टिक्का की रेसिपी, वो भी विदाउट ओवन माइक्रोवेव के। मैंने इसे तवे पे बनाया है और इसका कलर टेक्सचर आप देख सकते हैं एकदम रेस्टोरेंट जैसा है। तो आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी, तो बना दीजिए इस नए साल पे ये बढ़िया सी रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम टिक्का घर पे ही, और साथ में एंजॉय कीजिए अपना नया साल। तो चलिए बिना देरी फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे एक कटोरी दही। दही यहाँ पे आपको थोड़ी सी गाढ़ी लेनी है और साथ में बहुत ज़्यादा खट्टी दही का यूज़ नहीं करना है। साथ ही इसमें लेना है एक कटोरी बेसन। बेसन और दही के कॉम्बिनेशन से हमारे टिक्का बहुत अच्छे से बाइंड होते हैं, तो इन्हें लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें कुछ डालेंगे मसाले। सबसे पहले आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधी चम्मच गोलकी पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे कलर बहुत अच्छा आता है तंदूरी टिक्का का। साथ में आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। हम इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका ठीक और गाढ़ा सा मिक्सचर बना के तैयार करना है। अब थोड़े से फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, और एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहते हैं आप अपने टिक्के में तो इसमें ऐड करें न्यूट्रीलाइट का मेयोनीज। ये तंदूरी मेयोनीज है, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो टिक्का बनाने में जनरली प्याज और शिमला मिर्च का ही यूज़ होता है, तो मैं इसमें दो प्याज और शिमला मिर्च डाल रही हूँ, जिसे कि मैंने इस तरीके से पेटल्स में कट कर लिया है। थोड़े बड़े बड़े टुकड़े ही आप रखें। आप चाहो तो इसमें लाल और पीले वाले भी शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मशरूम। तो यहाँ पर मैंने बटन्स मशरूम लिए हैं, ये भी आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। तो अभी इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। सर्दियों में मशरूम बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं और साथ में हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर आप कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं तो ये टिक्के को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मशरूम के साथ, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। और साथ में अगर कोई गेस्ट आए हों तो परफेक्ट ये स्टार्टर है उन्हें देने के लिए नए साल पर। तो अब इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे एक लीड से ढक देंगे और आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। तो आधे घंटे हो गए हैं, मैंने इसे फ्रीज से बाहर निकाल लिया है। अच्छे से सारे मशरूम और शिमला मिर्च प्याज में कोटिंग हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ लेमन जूस। लेमन जूस मैंने इसमें लास्ट में ऐड किया है क्योंकि अगर हो सकता हम पहले ऐड कर दें तो इसमें से बहुत सारा पानी रिलीज हो सकता था, इसलिए हम इसे लास्ट में ऐड करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल। आप कोई भी इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, सिर्फ सरसों का तेल आप यूज़ ना करें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये जो हमने टोटल प्रोसेस किया है सारी चीज़ों को मिक्स करके फ्रीज में रखना, इसे हम मैरिनेशन बोलते हैं। तो आप पनीर टिक्का भी बनाओ तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर एक स्टिक और इसमें हम अपने हिसाब से सब्जियों को आगे पीछे करके स्टिक में लगाएंगे। आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं, चाहो तो लंबे वाली टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको मार्केट में इजली मिल जाएगा, नहीं तो फिर इस तरीके से नॉर्मल स्टिक भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं सब्जियों को आगे पीछे करके लगा दिया है। आप अपने हिसाब से सब्जियों को लगा सकते हैं, बस आगे और पीछे थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ दें। अब इस स्टिक को हम इस तरीके से इसी बॉल पे रखेंगे ताकि ये कोई बर्तन में चिपके ना, और दूसरे स्टिक में हम सब्जियों को लगा लेंगे।
तो चलिए अब हम इसे तवे पे कुक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम करके तवा चढ़ा दिया है। तवे में हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल और चारों तरफ से अच्छे से इसे ग्रीज करेंगे। तवा गर्म हो चुका है तब हम इसमें सब्जियों को डाल देंगे इस तरीके से। स्टार्टिंग में ये आपका तवे से थोड़ा सा चिपकेगा, तो आपको घबराने वाला कोई बात नहीं है, फिर अपने आप ही ये तवे से निकल भी जाएगा। तो आप बस गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रख के इसे कुक करें, और थोड़ा टाइम लगेगा इसे कुक होने में क्योंकि हमने ये तवा पे कर रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट इसे कुक करने में आराम से लगेंगे। तो सब्जियों को आगे पीछे करके अलट पलट के हम इसे अच्छे से सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे सारी सब्जियों का कलर जो है वो चेंज होने लगा है। शुरुआत में ये हल्का सा चिपका था, लेकिन अब ये चिपकना बंद भी हो चुका है। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल देते हुए हम इसे अलट पलट करके अच्छे से कुक करेंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से टिक्का हमारा कुक हो चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में, कलर टेक्सचर एकदम परफेक्ट आए हैं। सब्जियों को हमें बस इतना ही कुक करना है, पूरी तरीके से नहीं कुक करना होता है। तो चलिए गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, तैयार है एकदम रेस्टोरेंट के जैसा मशरूम टिक्का घर पे। बहुत ही आसान तरीके से देखा ना आपने, बन के तैयार भी हो गया। अब इसे आप मेयोनीज के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, और साथ में एकदम रेस्टोरेंट वाला लुक देने के लिए इस पे आप कैबेज ओनियन का सैलेड रख दें। टिक्के के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला चारों तरफ से स्प्रिंकल कर दें ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो यहाँ पे रेडी है आपका मशरूम टिक्का, बस इसे गर्मा गर्म खाएं, और कोई मेहमान आए हो नए साल पे तो उन्हें सर्व करें। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।